अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जेबा व्लॉग। तो आज की रेसिपी है चिकन अफगानी कोफ्ते। तो चलिए गाइस, तो चलिए गाइस इसको बनाते हैं और अभी हम इसकी रेसिपी आपको जरूर बताएंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसको बनाने के लिए हमें 2 मीडियम साइज के प्याज चाहिए और 8-10 हमें हरी मिर्ची चाहिए, मोटी वाली जो तीखी नहीं होती है, और एक कटोरी भर के हमें काजू चाहिए और अमूल फ्रेश क्रीम और थोड़ा कोथमीर चाहिए। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डलेगा और गरम मसाला भी डलेगा। अगर आप ये मसाला डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बाकी इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये स्टॉक में रखा रहता है, मैं 2 मसाले पीसती हूँ, जिंजर गार्लिक का और एक ये हरा मसाला तीखा वाला। तो मैं ये डाल रही हूँ और उसके बाद फिर हमें चाहिए बटर और एक कप, छोटा कप जो आता है दही का वो डलेगा, और काली मिर्च पाउडर डलेगी और जीरा मसाला, गरम मसाला सब उसके अंदर ऐड होएगा। तो ये सब सामान है हमारे। चलिए अब हम बनाते हैं पहले कोफ्ते। तो कोफ्ते के लिए मैंने 1/2 किलो चिकन ली थी बोनलेस में। तो इसके ऊपर अभी हम ऐड करेंगे कोथमीर, प्याज, हरी मिर्ची जो कि मोटा मोटा हमें काटना है, वो उसमें पीस जाएगा। तो इसको सबको इसमें हमें ऐड करना है और उसमें हमें थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड करना है और इसको हमें पीस के लाना है। फिर ये हमारा मसाला पीस कर हो गया है, तो हमने थोड़ा सा उसको बेसन को थोड़ा रोस्ट किया। इसके बाद फिर हम उसके अंदर ही ऐड कर देंगे और ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार है। तो गाइस ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार है और इधर मैं कोफ्ते भी बना रही हूँ और कोफ्ते को फ्राई करके रख देंगे। और हमें स्लो फ्लेम में ही सब कोफ्ते फ्राई करेंगे और आराम से हमें सब कोफ्ते को निकालना है। कई जबकि कोफ्ते अगर हम ज़्यादा हाई फ्लेम में रखेंगे तो वो अंदर से कच्चे हो जाएंगे, तो इस वजह से कोफ्ते को हमें तो गाइस इधर देख सकते हैं आप, कोफ्ते हमारे पक गए हैं और इधर कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए और अभी हम बनाएंगे ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए उसी ही कढ़ाई में हम ग्रेवी भी रेडी करेंगे। तो ग्रेवी में जो हमने प्याज, काजू, हरी मिर्ची और कोथमीर जो था वो हमें एक साथ भी डाल देंगे, नहीं तो एक एक करके भी डालेंगे। और हमें सिर्फ उसको 2-3 मिनट तक ही पकाना है ताकि वो थोड़े नरम हो जाए। हमें ये जार में डाल के पीस लेना है तो इस तरह वो इसका पेस्ट बन जाएगा। और अभी हमें एक कढ़ाई लेना है और स्लो फ्लेम में ही रखना है और उस कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमें थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि उसके बाद हमें उसके अंदर बटर भी ऐड करना है। तो बटर हम उसके अंदर ऐड करेंगे और बटर हम सिर्फ थोड़ा ही लेंगे, हाफ स्लाइस जैसा, जैसे कि हाफ पीस जो रहता है बटर का वो ही लेंगे। और डायरेक्ट हमने जो पेस्ट बनाए थे वो डायरेक्टली हमें उसके अंदर ऐड करना है। और उसके बाद हमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है और ग्रीन पेस्ट ऐड करना है। उसको हमें 3-4 मिनट तक पकाना है, हमें सिर्फ स्लो फ्लेम में ही पकाना है और 3-4 मिनट तक, इसलिए लहसुन अदरक का स्मेल उसमें से चली जाए। फिर उसके बाद हमें दही को ऐड करना है और दही को हमें अच्छे से फेंट लेना है ताकि वो फटाफटा ना लगे। और दही डालने के बाद इसके ऊपर हमें काली मिर्च पाउडर ऐड करना है, जीरा पाउडर ऐड करना है और उसके बाद हमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। फिर उसके बाद हमें हमारे टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर देंगे और धनिया पाउडर भी उसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको हमें 3-4 मिनट तक अच्छे से स्लो फ्लेम में ही पकाना है। और उसके बाद हमें उसके ऊपर प्लेट ढक के उसको 4-5 मिनट छोड़ देंगे जब तक उसका अच्छे से वो पक जाए।
तो गाइस अभी हम उसको अच्छे से पका लिए हैं और अभी उसके अंदर धीरे धीरे कोफ्ते भी ऐड कर देंगे, ये देखिए। और हमारे ऑयल भी आप लोग देख सकते हैं, ऑयल बटर दोनों मिक्स है और ऊपर से तेल ऊपर से छूट गया है, तो यानी हमारा कोफ्ता बन गया है। और कोफ्ते को धीरे सीलो फ्लेम में ही रखना है और चम्मच नहीं चलाना है, उसको हाथ से ही हिलाना है। और लास्ट में मैंने अमूल फ्रेश क्रीम भी डाली थी कि ढक्कन भी मेरा उसमें गिर गया। फिर उसमें हमें कोयले का स्मोक भी देना है और लास्ट में हमें कोथमीर ऊपर से डाल देंगे। और ये हमारा अफगानी चिकन कोफ्ता रेडी है। तो देखिए गाइस, फाइनली हमारा अफगानी चिकन कोफ्ता तैयार हो गया। और ग्रेवी भी आप देख सकते हैं, ग्रेवी की काउंटिंग बहुत ही अच्छी है और बाकी हमारी फैमिली को सबको बहुत ही टेस्ट लगा और बहुत ही डिलीशियस लगा था। तो देखिए गाइस, कोफ्ते भी मैंने तोड़ के आपको बता रही हूँ रोटी के साथ, तो कोफ्ते इजीली टूट गए थे और बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बना था। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।